जनाब तला महमूद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो चंद मिनटों के लिए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का ये दिन जो है ये इंतहाई अहम दिन है, योम जहती कश्मीर। और इस वक्त कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो आपको पता है कि तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और वहाँ पे लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये कारनामा किन की वजह से है? ये उन लोगों की वजह से है जो इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान है, जिन्होंने इस मामले को इस अंदाज में लिया और कि वो उसके ऊपर जो इंडिया की मौजूदा हुक्मरान है उनका तसल्लुत जो है मजबूत करने में इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कश्मीर के इशू के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था, आज इस हुकूमत ने उस हवाले से उनके साथ कंप्रोमाइज किया। और कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं वो किसी से छुपी भी नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज की गवाह है कि जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस वक्त कश्मीर में है उसकी नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि आज हम इस यकजहती कश्मीर मार्च के हवाले से यहां पर इकट्ठे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर्रहमान साहब की क्यादत में इस इशू के ऊपर जिस पे मौलाना साहब ने हमेशा इस पर हमारे कायद जमीयत मौलाना फजलुर्रहमान साहब ने इस पर अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी के हवाले से उन्होंने तारीख साज काम किए, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने उस हवाले से दौरे किए और कश्मीर इशू को उजागर करने की कोशिश की। और आज भी हम कश्मीर इशू के हवाले से कश्मीरियों के साथ हम यकजहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। मौलाना साहब मौजूद हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि मौलाना साहब इस हवाले से मजीद बातचीत कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात मोहतरम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो